भारतवर्ष की यात्रा जारी है। महात्मा बुद्ध, चाणक्य, सम्राट अशोक आदि शंकराचार्य जैसे व्यक्तित्वों की आभा चमक को हमने महसूस किया। अगले पड़ाव पर आज हम ऐसे व्यक्ति की विराट छाया में खड़े हैं जिनके नाम का अर्थ होता है महान। नमस्कार, मैं अनुपम खेर। भारतवर्ष की इस अद्भुत और विराट यात्रा में आपका स्वागत है। मैंने कहा आज हम एक ऐसे व्यक्ति की विराट छाया में खड़े हैं जिनके नाम का अर्थ होता है महान। कहते हैं पेशे से वो बुनकर थे, कपड़ा बुनने का काम करते थे, लेकिन अपने समाज के लिए वो ऐसी बातें बुनकर कहकर चले गए कि आज उनके बगैर भारत की कहानी अधूरी है। एक बात और, वे व्यक्ति आज से 600 साल पहले हुए और उनके बारे में यह भी कहा जाता है कि अगर आज वो होते तो ना जाने कितने मुकदमे हो गए होते उन पर। जी, उन्हें कबीर कहते हैं। चलिए इस बार भारतवर्ष में कबीर को ढूंढते हैं, खुद में अपने अंदर कबीर को ढूंढते हैं और कबीर में खुद को ढूंढते हैं। अरे धीरे धीरे रे मना, मुझे लगता कबीर इनके अंदर भी है, कबीर इनके अंदर भी है। कबीर में ना अमीर है ना गरीब है, कबीर हर इंसान के अंदर है, बट उसको बस पहचानना है। माली सी जैसो घड़ा। कबीर एक साक्षात एहसास है हर इंसान का अपना। मेरे लिए कबीर मुझे काफी ग्राउंड करता है। कबीर कबीर एक वे ऑफ लाइफ है बेसिकली। हो जा रहा हल्के गाड़ी हाथों मेरे राम दा। कबीर कबीर कबीर। हो जा रहा धीरे धीरे गाड़ी हाथों मेरे राम दा। कबीर नाम की ये गूंज हमने सुनी मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के गांव लुनिया खेड़ी में। अरे गाड़ी भारी रंग रंगीली पहिया है लाल। पिछले 20 साल से दिल्ली से लगभग 900 किलोमीटर दूर इस गांव में कबीर प्रेमी और कबीर भक्तों की भीड़ जुटती है। एजी गाड़ी भारी रंग रंगीली पहिया है लाल गुलाल। मैं फिल्म एडिटिंग करता था, मैंने अपना काम छोड़ दिया। उनका इतना प्रभाव हमारे पर पड़ा, हमारे उसमें जो वायलिन बजाते हैं वो इंजीनियर थे, उन्होंने इंजीनियरिंग छोड़ दी। मैं किताबों से नहीं पढ़ा कबीर को, मैं सच्ची बोलूंगा, मैंने इसीलिए स्कूल छोड़ दिया, मैं ड्रॉप। When you stop being the center of your own world and when you realize that you're part of a bigger community, it's a great feeling to be part of something bigger than yourself. So I think that's what I felt. कबीर के शब्द और सुर में डूबने के लिए लोग हजारों मील की दूरी तय करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन इससे पहले कबीर की चोट लगती है। ये चोट ऐसी है जिससे लगने पर आनंद का अनुभव होता है। शब्द की चोट, जिसको कहते हैं हम सबद, सबद की चोट, जिन जाना तिन माना है भाई। तो जिसको लग गई वो लग गई, लागी होए सो जाने हो सबद की। कबीर को कुछ लोग भगवान मानते हैं, कुछ भगवान का अवतार, कुछ लोग फकीर दरवेश, कुछ लोग कबीर को भगवान राम का भक्त मानते हैं, कुछ लोग उन्हें निर्गुण संत मानते हैं, कुछ सतगुरु तो कुछ लोग कवि मानते हैं। सबके अपने अपने कबीर हैं। चलिए असली कबीर को ढूंढा जाए। संत कबीर को ढूंढने निकले तो पहुंचे काशी, काशी जिसे बनारस या वाराणसी कहते हैं। मुखो कहां ढूंढे रे बंदे, मुखो कहां। कबीर ने कहा था, तू ब्राह्मण मैं काशी का जुलाहा, चिन्हन मोर ज्ञानी, यानी तुम ब्राह्मण हो मैं काशी का जुलाहा हूं, मेरे ज्ञान को पहचानो। ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं बरत। इससे ये बात साफ होती है कि काशी में कबीर पले बढ़े, काशी ही उनकी कर्मभूमि थी। ढूंढे रे बंदे,
मैं तो तेरे पास रे। बनारस केवल धार्मिक केंद्र नहीं था, बनारस बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र था। और जैसे आज आप पश्चिम एशिया कहते हैं या दक्षिण एशिया या इवन दक्षिण पूर्व एशिया कहते हैं, ऐतिहासिक प्रमाण इस बात के हैं कि वहाँ तक के व्यापारी बनारस आते थे कारोबार के सिलसिले में। कबीर बनारस के थे। बनारस अपने समय का एक कॉस्मोपॉलिटन नगर था। वहाँ तमाम तरह की भाषाएं बोलने वाले लोगों से कबीर का संपर्क हुआ होगा, तमाम तरह के धार्मिक मतों को मानने वाले लोगों से कबीर का संपर्क हुआ होगा। काशी के पास लहरतारा तालाब है जिसमें कमल के फूल उगा करते थे। कबीर से जुड़ी कहानियों में लहरतारा तालाब और कमल का जिक्र आता है। अब तालाब का एक हिस्सा ही बचा है और बाकी तालाब को पाट कर कबीर मठ बना दिया गया है। मठ के भीतर बने मंदिर की यह मूर्ति कबीर के शुरुआती जीवन के बारे में बताती है। इस मूर्ति में नवजात कबीर को कमल के फूल पर लेटा हुआ दिखाया गया है। अब यहीं से कबीर को लेकर अलग अलग मान्यताओं की शुरुआत होती है। कुछ कहते हैं कि वो विधवा ब्राह्मण की कोख से पैदा हुए और वो फेंक गई और उन्होंने उठा लिया। जो इंसान ने शायद मेरा जहाँ तक ख्याल ये कहा कि वो विधवा ब्राह्मण की कोख से पैदा हुआ, तो उनको ये तो मालूम था कि विधवा ब्राह्मण की कोख से हुआ, तो उनको ये मालूम नहीं था कि वो विधवा ब्राह्मणी कौन थी, ये भी तो बता सकते थे लिखने वाले ने। लिखा लिखी में जो बात बनती है उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है। कबीर पंथ की एक दूसरी धारा के मुताबिक कबीर लहरतारा तालाब में एक कमल के फूल पर बाल रूप में प्रकट हुए थे। वो अविगत अवतारी हैं। कबीर साहब इस लहरतारा तालाब में कमल पुष्प पर बाल स्वरूप में नीरू और नीमा को प्राप्त हुए थे। इसके लिए गरीब साहब की एक वाणी आती है इसके संबंध में। गगन मंडल से उतरे सतगुरु सत्य कबीर, जलज माहि पौड़न के सब पीरन के पीर। कबीर अवतार थे या कबीर कमल के पत्ते पर तैरते हुए मिले या कबीर किसी तरह अवतरित हुए। देखिए इस बात को हम समझें कि ये कहानियाँ ऐतिहासिक तथ्य की व्यंजना उतनी नहीं करती जितनी की एक सांस्कृतिक सोच की या किसी व्यक्ति से जो आप उम्मीद करते हैं उसकी। ए जी पानी केरा बुदबुदा आसमान उसकी जात। कबीर के जन्म से जुड़ी तमाम बहस अपनी जगह मौजूद है। कहीं कहीं इस बात का जिक्र आता है कि कबीर का जन्म स्थान काशी नहीं बल्कि बस्ती जिले का मगहर और कहीं आजमगढ़ जिले का बेलहारा गांव है। वैसे कबीर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका पालन पोषण करने वाले किस धर्म के थे। वो मुसलमान थे या हिंदू, तुर्क थे या सनातनी, ये सवाल कबीर के लिए बेमानी है। लेकिन समाज में क्या चल रहा था और क्या चलता आ रहा था इसको लेकर कबीर किसी को भी छोड़ने वाले नहीं थे। हिंदू जो पंडित थे उनसे कहा, पांडे तुम निपुण कसाई, तुम जो हो पांडे जी जो संभवतः मेरे जैसे कोई ब्राह्मण रहे होंगे, उनको संबोधित करते हुए कहा कि तुम तो निपुण कसाई हो, ये कहने की हिम्मत 15वीं 16वीं शताब्दी में सनातन धर्म की राजधानी बनारस में एक जुलाहा करता है, इसको जरा ध्यान में रखिए। ये पंडित नहीं है। कबीर जिस युग में हुए उसे इतिहासकार मध्यकाल कहते हैं। ये वो काल था जब राजनीति में मुसलमान सामंत यानी छोटे राजा खुद को स्थापित कर रहे थे। दिल्ली की गद्दी पर लगभग 200 साल से मुसलमान सुल्तानों का राज चला आ रहा था। इस्लाम खुद एक संगठित संप्रदाय था जो तब के समाज में ब्राह्मणों के बोलबाले और उससे जुड़ी जात पात को चुनौती दे रहा था, चैलेंज कर रहा था। कहने का मतलब ये कि समाज में खूब उथल पुथल थी। आप उन्हें तुर्क कहिए या इस्लामी कहिए, उन शासकों के आने के साथ जाहिर है कि आक्रामक रूप से उनमें से बहुत से शासक आए, आक्रमण के साथ शुरुआत हुई, तो उसकी वजह से समाज में एक आरंभिक तौर पर तनाव का प्रश्न भी उत्पन्न हुआ। कबीर की अपनी ही पंक्ति है, हिंदू कहे राम हमारा, तुर्क कहे रहमाना, आपस में दो लड़त मरत हैं मरम ना काहू जाना। इसका मतलब ये कि धार्मिक पहचान या धार्मिक विश्वास के आधार पर संघर्ष की भी
स्थिति वहां बनी। कह कबीर सुनो भाई साधो, कह कबीर सुनो भाई साधो, छाड़ दियो भ्रम जाला, कोई पियत राम रस प्याला कोई। काशी इन बदलावों से अछूता रहा हो ऐसा नहीं है। यह है काशी के बीचों बीच कबीर चौक। मान्यता है कि यहीं कबीर का लालन पालन करने वाले नीरू और नीमा की झोपड़ी हुआ करती थी। अन्न मिल रहे मिले नहीं जग में, अन्न मिल रहे मिले नहीं। कबीर के जमाने में ताने बाने की मध्यम आवाज के बीच नीरू नीमा के घर कबीर नाम की गूंज रहती थी। कबीर एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है महान। आमतौर पर यह माना जाता है कि नीरू नीमा मेहनतकश गरीब जुलाहे थे, कपड़ा बुनने का काम किया करते थे। तब मुसलमान बुनकरों को जुलाहा कहा जाता था। कबीर जब बड़े हो रहे थे तब के हालात की आज सिर्फ कल्पना ही हो सकती है। हालात तो खराब थे ही, उस पर से कबीर के तेवर ने मुमकिन है कबीर और उनके परिवार की मुश्किलें बढ़ा दी होंगी। हिंदी के कथाकार और नाटककार भीष्म साहनी ने अपने मशहूर नाटक कबीरा खड़ा बाजार में तब के हालात की तस्वीर खींची है। अरे क्या बात है, बहुत ही जल्दी बहुरे बाजार से। अरे अरे हमार कबीरवा मिला रहा, उकर कोनो माल उल बिका कि नहीं। अरे सबेरवा से घर से निकला है, ए माल तोहरे है ना, वही दिए है। कबीर, अरे कबीर तोहे काहे माल दिया, वो तो इक लेके बेचे खातिर गया रहा बाजार में। अरे कह रहे घर पहुंचा देना, और एक संदेशा भी दिए है कि शाम तक घर आ जाएंगे। हाँ अरे कहाँ मिला रहा तो के? कोतवाली बाजार के पास खड़ा रहे, बहुत मजमा भी रहे वहां। फिर से कौन? अरे हम सर्राफा बाजार से निकल के मस्जिद की तरफ जा रहे हैं, वहीं देखा काफी मजमा इकट्ठा किए रहे वो। क्या कह रहा था? अरे वही बकबक झकझक, कुछ लोग समझ लेते हैं सह लेते हैं और कुछ लोग नहीं सह पाते हैं। हाँ अरे छुपा काहे रहे हो हमसे, सच सच बताओ ना कि वो कहा क्या। अरे बड़े महंत की झाकी सवारी निकल रही रहे और वहां महंत के आदमी के लौंडे को डंडे से मार रहे, और एक कबीर बीच में कूद पड़ा और वो लौंडे को छोड़ के कबीर पे पिल पड़े। और कुछ देर पहले वो एक बोलवी से भी उलझ रहा है, क्या कहत रहा है वो। अरे अरे का तुम तो जाने तो कौन सा युग जमाना आएगा भाई। लो सुन लो अपने पेटुआ की करतूत। अच्छा नूर भैया हम चले थे। कबीर ने जो समाज में देखा उसमें तरह तरह की विषमताएं थी। कौन किस जाति में जन्मा है वही भाग्य तय करता था। व्यक्ति के बड़े या छोटे होने का मापदंड उसका जन्म कुल ही रह गया था। ब्राह्मण चाहे जितना दुराचारी हो सामान्य था, दलित चाहे जितना भी सदाचारी हो नीच समझा जाता था। कबीर ने इस आधार को नाकार दिया। कबीर ने कहा, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई, यानी ब्राह्मणों को सीधी चुनौती।
ओम भरणी सूर्याय नमः। भास्कराय नमः। पंडित जी, ऐसे नहाए कि का लाभ, जो मन का मैल ही न जाए। क्यों तो मछली जल में सदा ही पड़ी रहती है, पर धोने से कबास चली जाती है। अरे जुलाहे, तुझे क्या पता शुद्ध होना और दूरी रहना, कहीं तुम्हारी परछाई पड़ गई तो हमें दोबारा नहाना पड़ेगा। पड़ी पड़ी के पत्थर भया, लिख लिख भया जू ईट, कहे कबीरा प्रेम की लगी न एक छीट। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया ना कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। कैसी बातें कर रहे हो? कबीर यही नहीं रुके, बोले, कहे कबीर चेतरे भोंदू, बोलन हारा तुरक न हिंदू। काशी उस समय भारत का हृदय थी, सब धर्म के अपने अपने मठ थे, वहां ठांव ठांव पर मंदिर थे, मस्जिदें थी। कबीर के पास कुछ नहीं था, केवल शब्द थे। और जब शब्द ऐसे हों, बोलन हारा तुरक न हिंदू, यानी ऊपर वाला न हिंदू है न मुसलमान। पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहार, बातों ये चक्की भली पीस खाए संसार। या कंकड़ पत्थर जोरी के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ी मुल्ला बांग दे बहरा हुआ खुदाए। काशी में बैठकर 14वीं शताब्दी में ऐसे निडर दोहे बोल बोलने वाला कबीर अक्सर गुरु की महिमा गाते थे। कबीर के गुरु कौन थे? निडरता की ये सीख उन तक पहुंची कैसे? काशी में जिस समय कबीर की वाणियों ने हड़कंप पैदा करना शुरू किया, उस समय वहां स्वामी रामानंद की बड़ी पूज थी। स्वामी रामानंद दक्षिण भारत से काशी आए थे। स्वामी रामानंद के अनुसार भक्ति के पथ में जो आ गया उसके लिए जाति का बंधन व्यर्थ है। इस तरह सभी भाई भाई हैं, सभी एक जाति के हैं। बड़ा छोटा भक्ति से होता है, जन्म से नहीं। स्वामी रामानंद के 12 शिष्य बताए जाते हैं, जिनमें कबीर की गिनती भी होती है। कबीर ने अपने एक दोहे में कहा है, काशी में हम प्रकट भए हैं, रामानंद चिताए। एक बड़ा तबका है जो स्वामी रामानंद को कबीर का गुरु मानता है। लेकिन स्वामी रामानंद कबीर के गुरु बने कैसे, या कबीर ने स्वामी रामानंद को अपना गुरु बनाया कैसे, इससे जुड़ी कई कहानियां प्रचलित हैं। ये कहानियां दरअसल तब के समाज और कबीर के सामने की चुनौतियों की भी कहानी है। कौन है? जुलाहा है। अरे देखता नहीं, कहां बड़ा आ रहा है? महाराज बैठे हुए हैं। महाराज, ये दास आपका शिष्य बनने आया। कौन है तू? प्रभु कबीर। कौन जात? जुलाहा। जो काम तू कर रहा है वही कर, वही काम तेरा धर्म है। महाराज, आपकी शरण से कोई निराश नहीं लौटता। क्या राम सबका नहीं? क्या राम मेरा नहीं? क्या राम मेरा नहीं? बाहर निकल। अरे निकल, चलो चलो। क्या राम सबका नहीं? बाहर निकल, चल। अरे बाहर निकल, निकल। ये काशी का पंचगंगा घाट है। पंचगंगा घाट स्वामी रामानंद के आश्रम में हुए अपमान की अगली कड़ी का साक्षी है। रोज सुबह इसी घाट पर स्वामी रामानंद स्नान करने आते थे। कबीर उसी घाट पर पहुंचकर उसकी सीढ़ियों पर लेट गए।
राम 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 राम। कौन कौन? राम राम। कबीर, मुझे मेरा गुरु मंत्र मिल गया। कबीर कबीर कबीर, तू जीत गया, तू जीत गया कबीर। तूने मुझे अभिमान, अन्याय तथा पाप के बंधनों से मुक्त कर दिया। मैं तो अंधा हो गया था, सारा ब्रह्मांड राम है, सारा ब्रह्मांड राम है। ये भेदभाव तो मनुष्य के बनाए हुए हैं वत्स, उसके लिए तो सब बराबर है। वही राम तुम हो, वही गंगा है, और राम राम तो सबका सबका पहले उन्होंने कबीर जैसे स्वामी रामानंद जी तिलक करते हैं, कंठी माला पहन के रखे, जब निकले तो सबसे पहले उनकी माँ ने देखी, कहा कि तो हिंदू मुड़ियों का काम है, मतलब हिंदू सन्यासियों का काम है, बेटा तुम क्यों धारण किया? तो कहा कि स्वामी रामानंद ने दीक्षा दे दी, वो फैल गया गांव में। कबीर ने स्वामी रामानंद को अपना गुरु बनाया, ये कहानी प्रचलित है। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो मानते हैं कि कबीर निगुरा थे, यानी उनका कोई गुरु नहीं था। कबीर ने एक जगह कहा है, आपै गुरु आपै चेला। इसका अर्थ ये निकाला गया है कि गुरु से उनका एकात्म हो गया है, गुरु और उनमें फर्क नहीं है। कबीर ने तो गुरु शरीर को माना ही नहीं, उन्होंने तो ये कहा कि ये सब गुरु हैं हद के, और बेहद के गुरु नहीं, और बेहद अपने आप उपजे अनुभव के घर में आए, अनुभव ही आपका गुरु है। कबीर को मानने वालों की एक दूसरी परंपराओं के मुताबिक उन्होंने वैष्णव पीताम्बर पीर को अपना गुरु बनाया था। इस मत के मुताबिक कबीर उनकी कुटिया पर सत्संग के लिए जाते थे और उसे वो हज करना बताते थे। वो हिंदू मुसलमान का भेद नहीं मानते थे, जबकि एक और परंपरा के मुताबिक कबीर को शेख तकी का शिष्य बताया गया है। गुरु थे नहीं थे, थे तो कौन थे, इन सवालों को यहीं छोड़ते हैं। इतना तय माना जाता है कि कबीर ने अक्षर ज्ञान प्राप्त नहीं किया था, लेकिन उन्हें कभी इसकी जरूरत भी नहीं पड़ी। उन्होंने कहा, मैं कहता आंखन की देखी, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता सुरझावन हारी, तू राख्यो उर्जाई रे। जो कहा डंके की चोट पर कहा, साफ साफ कहा, और धर्म से जुड़े कर्म कांड, आडंबर और ढकोसलों पर हमला किया, मजहबों की लड़ाई पर हमला किया। पंद्रहवीं सोलहवीं शताब्दी का काशी धार्मिक संघर्ष का भी साक्षी था। हिंदू और मुसलमानों के बीच धार्मिक वर्चस्व की आग सुलग रही थी। इसे कबीर और उनके साथियों ने समझ लिया था। कहा जाता है कि कबीर सत्संग किया करते थे, जिसमें समाज के दबे कुचले शामिल होते थे। कबीर जहां जहां जाते वहां मजमा लग जाता था। आज कबीर के जीवन से जुड़ी घटनाओं का ऐतिहासिक प्रमाण तो नहीं मिलता, लेकिन जनश्रुतियों में वो हमेशा मौजूद रहे हैं, हमारी बोलचाल में, हमारी सोच में। भारत किन तत्वों को मिलाकर बना है,
उनमें से एक तत्व को हम कबीर तत्व कह सकते हैं। इस अर्थ में कि वो जो दी है, जो दिया हुआ ढांचा है, उसको मानने को तैयार नहीं है। जो चित्त, वो कबीर चित्त है। इन्हीं जनश्रुतियों के मुताबिक पंडित और मौलवियों से उनकी लगातार टक्कर रहती थी। कबीर के जीवन पर आधारित उपन्यास लोई का ताना में ऐसे ही एक प्रकरण का जिक्र आता है। सुने हैं तुम मुसलमानों के खिलाफ लोगों को भड़का रहे हो। ये हमको भड़का नहीं रहे हैं, समझा रहे हैं। नहीं भाई, ये जुलाहा कहा था दिन भर रोजा रहा था, रात हनत है गाय, ये तो खून व बंदगी, कैसे खुशी खुदाई। ये का हिंदू वाली बात ना हुई तो तुमने ये कहा था तो क्या बेकसूर जानवर का हिफाजत करना आदमी को हिंदू बना देता है? बाकी हिंदू तो गाय नहीं खाते ना खाएं? तो तू वैष्णव है? नहीं। तो फिर क्या है तू? तो तू अल्लाह को भी नहीं मानता है? नहीं। फिर सुना तुम सबने, ये ना अपने को हिंदू कहता है ना बौद्ध, पर मुसलमान की बुराई करता है। काजी के पास चलो। मजाल तो देखिए भाई, ये सब काफिर हैं। चला है तू आग में हाथ डाल रहा है। कैसे मुल्ला साहब? बता तू कौन मजहब मानता है? तुम भूले हुए हो। अगर भगवान ने तुम्हें अलग अलग सचमुच बनाया होता, हिंदू और मुसलमान को जन्म से अलग किया होता, तो मैं झूठा। बताओ दुई जगदीश कहां ते आए, कहू कोने भरमाया, अल्लाह राम करीम केशव हरी, हजरत नाम धराया। गहना एक कनकते गहना, तामे भाव न दूजा, कहन सुनन को दुई कर घाते, एक निवाज एक पूजा। वही महादेव वही मोहम्मद, ब्रह्मा आदम कहिए, कोई हिंदू कोई तुरक कहावे, एक जमी पर रहिए। वेद किताब पढ़े वे कुतबा, वे मौलाना वे पांडे, बिगत बिगत के नाम धरायो, एक माटी के भांडे। कह कबीर त दोनों भूले, रामहू किनहू ना पाया, वे खसिया वे गाये कटावे, वादे जन्म गवाया। कहत कबीर सिंह साथ। अगर कबीर आज जीवित होते, सौभाग्य से या संभवतः दुर्भाग्य से, तो अनेक जेलों में सड़ रहे होते। क्योंकि कबीर ने जिस तरह के सवाल उठाए, जिस तरह की गहरी चोट की, वो चोट आज तो किसी भी 10-12 लोगों की भावनाएं आहत हो जाती हैं और पुलिस कार्रवाई शुरू हो जाती है। मैं तो तेरे पास में, मैं तो सांसों की सांस में, तू मुझे कहाँ खोज रहा है बंदे। तो ये अपने आप में न सिर्फ कविता में क्रांति है, ये तो अध्यात्म में क्रांति है। और इन दोनों में एक तरह का जनतांत्रिकीकरण है कि हर व्यक्ति को ईश्वर तक पहुंचने का अधिकार है, और उसको ईश्वर तक जाने के लिए किसी ब्राह्मण का और किसी अनुष्ठान का और किसी यज्ञ का और वेद पुराण का और पुराण किताब का, इसका सहारा लेने की कोई जरूरत मोको कहाँ ढूंढ रे बंदे, मोको कहाँ ढूंढ रे बंदे,
मैं तो तेरे पास रे। ना मैं जप में ना मैं तप में ना मैं व्रत उपास में मुखो कहा ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास रे। 10-11 साल के फैमिली में अपहीवल हो रहा था, पेरेंट्स के का सेपरेशन चल रहा था, कुछ तकलीफें थी, कुछ मूवमेंट चल रहे थे, जो भी है मेरी जो गवर्नेस थी वो नेपाल की थी, आया मेरे को संभालती थी वो। तो एक दिन सुना मैंने कोई आ रहा था कोई, तो मैं जाके उससे पूछा कि दुख में सुमिरन सब करें, तो सुमिरन का क्या मतलब होता है? तो उसने बताया अपने गले से माला निकाली, छोटे छोटे रुद्राक्ष जैसे माला थे, कहने लगी ये जो है माला इसमें भगवान का नाम होता है, एक दफ़ा बोलो भगवान भगवान का नाम। दुख में सुमरन सब करे, सुख में करना कोई। I understood that. मैं बड़ी तकलीफ से उस वक्त निकल रहा था और मैं बहुत छोटा था, 10-11 साल की उम्र, मगर मैं समझ रहा था कि मैं अकेला हूँ और ये मुझे खुद बर्दाश्त करना है। उस वक्त मैं उनको डिस्कवर किया। सुख में जो सुमरन करे तो दुख काहे को। स्पेसिफिकली इसलिए मुझे कबीर बहुत पसंद हैं क्योंकि ये इस तरह जब मैं पढ़ता हूँ ऐसा लगता है जैसे कोई मुझसे आम इंसान के जैसे बात कर रहा हूँ, जैसे नॉर्मल, बिल्कुल जैसे हमारी आपकी बोली होती है। इनके लिखने के तरफ जो मेरा जो पुल है वो है इनकी सिंप्लिसिटी, जो मेरे जैसा बेहद सिंपल इंसान, स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान, उसको भी समझ में आए और इधर जाके उसकी एक असर हो। पत्ता बोला वृक्ष से, सुनो वृक्ष वन राय, अब के पतझड़ ना मिले दूर पड़ेंगे जाए। वृक्ष बोला पत्ते से, सुन पत्ते मेरे भाई, यही जगत की रीत है, एक आए एक जाए। कबीर ने जो देखा उसे दो टूक शब्दों में कह दिया, जो समझा उसे समझा दिया। कलापिनी कोमकली मशहूर शास्त्रीय गायक पंडित कुमार गंधर्व की बेटी है, उन्होंने कबीर के निर्गुण भजन को नई ऊंचाई दी। युगन युगन हम योगी, आवे ना जाए मिटे ना कबहूं, सबद अनाहत भोग। युगन युगन हम योगी, ये क्या है? सबद अनाहत भोगी, युगों युगों से मैं योगी भी हूँ। आवे ना जाए मिटे ना कबहूं, मुझे कोई मिटा नहीं सकता, मैं कभी आता नहीं कभी जाता नहीं, ये क्या है? गीता ही तो है। सबद अनाहत भोगी, मैं ही हूं जिसने सब कुछ भोग भी लिया है। युगन युगन हम योगी, शून्य घर शहर, शहर घर बस्ती, कौन सोता कौन जागे, कौन सोता कौन जागे, लाल हमरे हम लालन के, लाल हमरे हम लालन के, तन सोता ब्रह्म जागे, हे कबीर साधुओं की संगत में तो रहे लेकिन घर त्याग कर साधु बन गए, ऐसा ज्यादातर लोग नहीं मानते हैं। कबीर पंथियों की एक धारा उन्हें गृहस्थ मानती है। कहीं कहीं ये जिक्र आता है कि उनकी पत्नियां थी लोई और रामजनिया, लेकिन ज्यादातर जानकार मानते हैं कि लोई और रामजनिया एक ही व्यक्ति के दो नाम हैं और कबीर ने अपनी रचनाओं में पत्नी को अलग अलग नाम से संबोधित किया है। उनके दोहों में वैसे ये लगता है कि कबीर की जिंदगी गरीबी में गुजरी। कबीर ने अपनी गरीबी के बारे में कहा है, जद का भाई जन्मिया
कभी न पाया सुख, डाली डाली मैं फिरूं, पाते पाते दुख। कबीर पंथ की एक धारा परिवार और उनके बच्चों जैसी बातों को बिल्कुल नहीं मानते। कबीर साहब का कोई शादी शुदा नहीं थे, वो कमाल और कमाली जो है वो तो सिकंदर लोधी ने जब परीक्षा ली कबीर साहब के, तुम खुदा को नहीं मानते तो क्या तुम खुदा से बड़े हो है? तब उन्होंने 52 परीक्षा ली उनकी, अपने सैनिकों को अपने पीरों को आदेश दे करके उनको 52 प्रकार की परीक्षा ली। उन परीक्षाओं में ये कमाल और कमाली का भी जन्म होता है। कबीर की घुमक्कड़ी की वैसे बहुत चर्चा है। कहा जाता है कि कबीर ने लंबी लंबी यात्राएं की। आईना अकबरी के अनुसार कबीर देश भर में खूब घूमे और कुछ दिन वो जगन्नाथपुरी में भी रहे। कबीर को दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोधी के काल का माना जाता है। कहा जाता है कि सिकंदर लोधी तक को कबीर की शिकायत की गई। जीएच वेस्टकॉट ने अपनी जानी मानी किताब कबीर एंड कबीर पंथ में लिखा है कि कबीर को उनकी साफ गोई ने उनके लिए चारों तरफ दुश्मन खड़े कर दिए। कबीर पंथी मान्यताओं के अनुसार शेख तकी थे जिन्होंने कबीर के खिलाफ मुसलमानों की भावनाओं को स्वर दिया। उस समय के जाने माने मौलवी शेख तकी ने सिकंदर लोधी के सामने ईश निंदा के आरोप में कबीर को सजाए मौत देने को कहा। बादशाह ने फरमान निकाला, कबीर को दरबार में सुबह बुलाया गया था, पर वो शाम होने को आई तो दरबार में पहुंचे। काशी के कबीर चौरा मठ से प्रकाशित किताब कबीर जीवन कथा के मुताबिक दरबार में जाने के लिए कबीर ने गले में तुलसी की माला पहनी, माथे पर चंदन लगाया और सिर पर पगड़ी बांधकर उस पर मोर पंख की कलगी खोसी, जबकि ऐसा वेश कबीर कभी नहीं बनाते थे। कबीर के सामने दिल्ली का सुल्तान था। कबीर निर्भय निडर उसके सामने खड़े थे। बादशाह सलामत है, रहम दिल है बादशाह, बादशाह को सलाम करो, माफ कर देंगे तुझे। काफिर, बादशाह को सलाम क्यों नहीं करता? जो दूसरों का दुख दर्द जानते हैं वे ही सच्चे पीर होते हैं, बाकी सब काफिर। कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर ना जाने ही, सो काफिर बेपीर। रुको, हमने तुम्हें सुबह बुलवाया था और तुम शाम तक आए हो, क्यों? मैंने एक नजारा देखा, उसी को देखने में अटक गया। ऐसा कौन सा नजारा हो सकता है जो सुल्तान की हुकुम उदूरी करने को मजबूर करे? मैंने सुई की नोक से भी बारीक छेद से एक कारवां गुजरता हुआ देखा। तुमने सुई की नोक से भी बारीक छेद से एक कारवां गुजरता देखा? झूठे हो तुम। ऐ सुल्तान, स्वर्ग और नरक के बीच बड़ा अंतर है। सूरज और चांद के बीच के अंतरिक्ष में अनगिनत हाथी और ऊंट समाए हैं जो कि आंख की पुतली की नोक से देखे जा सकते हैं, और ये नोक सुई की नोक से भी बारीक है। इस कहानी के मुताबिक कबीर के इस जवाब से बादशाह बहुत खुश हुआ और उन्हें छोड़ दिया गया, जबकि दूसरी प्रचलित कहानियों के मुताबिक बादशाह ने उन्हें बहुत सी यातनाएं दी। ले जाओ इसे। लेकिन जब वो अपनी तमाम कोशिशों में असफल रहा तब सुल्तान सिकंदर लोधी को अपनी भूल का अंदाजा हुआ। इसके बाद भी कबीर के खिलाफ साजिश चलती रही। कबीर की जिंदगी जितनी अब तक हमने देखी उससे कुछ बातें बिल्कुल साफ है। भारतवर्ष में जो दबे कुचले थे, दलित थे, उनके लिए आवाज देने वाले वो पहले व्यक्ति लगते हैं। वो जाति धर्म को तोड़कर समाज सुधार की बात आज से 600 साल पहले कर रहे थे। तुम कत ब्राह्मण हम कत शुद्ध, हम कत लोहू तुम कत दूध। गरीब चाहे वो किसी भी धर्म का हो, ईश्वर प्रेम का बराबर का अधिकारी है, हकदार है। ये बात उन्होंने कूट कूट कर अपने शिष्यों को समझाई।
कबीर ने धर्म के बंधे बंधाए विश्वासों की जकड़न को चुनौती दी। वो धर्मों के कट्टरपन के घोर आलोचक थे। न हिंदू न मुसलमान की घोषणा करने वाले संत कबीर पहले कवि थे जिन्होंने धर्म निरपेक्ष समाज की कल्पना की। उड़ जाएगा हंस। कबीर की धर्मनिरपेक्षता की मिसाल तो मगहर भी है। मगहर उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर का एक कस्बा है। यहां समाधि और मजार दोनों साथ साथ हैं। समाधि भी कबीर की, मजार भी कबीर की। काशी से मगहर कबीर क्यों आए, ये अपने आप में बड़ी कहानी है। एक मत यह है कि कबीर अपने आखिरी दिनों में काजी कोतवाल पंडितों से परेशान होकर मगहर चले आए। एक जगह कबीर कहते हैं, जो काशी तन तजय कबीरा तो राम ही कौन निहोरा। कबीर ने कहा कि जो कबीरा काशी मरे तो राम ही कौन निहोरा। यदि कबीर काशी मरता है तो राम क्या निहोरा करते हैं? राम किस लिए है? राम की उपासना क्यों करेगा? राम की भक्ति क्या काम करता है? बनारस में अगर आपकी मृत्यु हुई तो आप भवसागर पाते। कबीर इसको नहीं मानते। कबीर कहते हैं कि मैं मगहर जाके मरूंगा, क्योंकि अगर मेरे क्रिया कर्म ऐसे हैं कि मुझे मुक्ति नहीं मिल सकती तो सिर्फ गंगा में नहाने से कैसे मिल जाएगी? गंगा के तट पर मेरी चिता जले, इससे मुझे मुक्ति कैसे मिल जाएगी? तो वहां भी मरते दम तक वो जो लोकप्रिय धारणाएं हैं उनको चुनौती देते हैं। किंवदंती है वो ये है कि जब वो उनकी मृत्यु हुई तो उनके दो संप्रदायों में झगड़ा था। मुसलमान कहते थे कि कबीर हमारे हैं और हिंदू कहते थे कि हमारे हैं। तो दोनों ने झगड़ना शुरू किया। तो कहते हैं कि वो कबीर की जो का जो शव था उस पर चादर, और सुबह जब देखा दोनों लड़ते हुए संप्रदायों ने तो वहाँ कुछ फूल थे, उनका शव नहीं था। वहाँ फूल ही मिले, वो शरीर नहीं मिला। वहाँ फूल मिले तो आधा फूल को हिंदुओं ने बांट लिया, आधा फूल को मुसलमानों ने बांट लिया। एक ने समाधि बना ली, एक ने मजार बना लिया। आज भी वो वहाँ प्रसिद्ध है। अगर कोई समाज ये कल्पना करता है कि एक मृतदेह एक शव पूर्व में बदला, तो मेरी दिलचस्पी उस कल्पना का अर्थ समझ। किंवदंती इस बात की सूचना देती है कि हिंदू और मुसलमान में भेद नहीं है। हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों की ये जो भेद की बात है ये व्यर्थ है। ये खुद कबीर के अनुयायी एक सीमा के बाद नहीं पचा पाए। मुझे ये कहानी कबीर की पर्सनल ट्रेजेडी की कहानी। उड़ जाएगा हंस अकेला, हंस अकेला जग दर्शन का मेला, जग दर्शन का मेला, जैसे पात गिरे तरबर के मिलना। उड़ जाएगा हंस अकेला जग दर्शन का मेला। चादर उठाई तो सिर्फ फूल मिले। उस परमहंस आत्मा का शरीर फूलों में बदल चुका था। अब मगहर में मजार भी है और समाधि भी। ये कहानी शत प्रतिशत सही हो तब भी और काल्पनिक हो तब भी कबीर को हमें ढूंढने में मदद करती है। कबीर हमारे बीच जिंदा हैं अपने शब्दों के जरिए, इन कहानियों के जरिए। कोई उन्हें कवि मानता है, कोई उन्हें समाज सुधारक कहता है, कोई संत कहता है, कोई उन्हें अवतार मानता है, कोई भगवान मानता है, कोई उन्हें धर्म निरपेक्षता का सबसे पहला झंडा बरदार मानता है। ये सारी बातें सही हैं क्योंकि